बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम विवर्स जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मुझे जी सांस चढ़ा हुआ है, अभी अभी जी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ। मैं सलेमान को उठाया हुआ था तो ये कहता जी मुझे भी ऊपर लेकर चले, तो सलेमान जी 2-3 दिन से इधर ही है। तो बारिश हो रही है, देखें जी थोड़ी थोड़ी, ये जगह इधर से गिली है। तो देखिए आसमान अभी बादलों से भरा हुआ है, तो आज बारिश का मूड पा रहा है। कल बारिश नहीं थी, तो सामने देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये देखें जी सामने चावलों की काश्त हो रही है, तो ये सारे आदमी जो हैं ये इसमें बैठे हुए हैं और चावल ये इसको उखाड़ कर, तो वो जो सामने जगह है, वाली जगह जो है जी इन्होंने सारी फिल कर दी है, ये वाली, ये तो उधर जो है वो पहले की लग चुकी है ये सारी। तो यहाँ पे जी अभी इन्होंने ये वाली साइड जो आगे लगा ली, और ये जी ट्रैक्टर जाएगा अभी नीचे से, तो ये कद्दू करेंगे जी, साथ साथ कद्दू करेंगे। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है हमारे घर के सामने से जी, ये सारा कुछ नज़र आता है। तो रोज़ाना जी हम लाइव देखते हैं ये सारा। तो इधर जी सुबह सुबह नाश्ता तैयार हो रहा है, बना रही है जी नाश्ता, और हारत जी अपना ओवन में सालन गर्म कर रहा है, टिकिया आलू कबाब, और ये जी दही है हारस की। तो इधर भी जी सलेमान बैठा हुआ है, सलेमान अब आ गया नीचे, यहाँ पे बाजी नाश्ता कर रही है, नाश्ता हो रहा है जी, बाजी कह रही है जी नाश्ता हो रहा है। और इधर ये देखें जी खिलौने सारे सलेमान ने फेंके हुए हैं, तो ये देखें जी सलेमान नाश्ता खा रहा है। इधर देखो सलेमान, ओए ये दही के साथ और अंडे के साथ नाश्ता, ओए ये खिलौना है जी, देखे सलेमान बाहर जाना है, जाना है? चलो जी ठीक है जी, अभी जी सलेमान नाश्ता करेगा तो फिर राम जी बाहर जाएंगे, ठीक है। व्यूअर्स मैं अपने घर के बाहर आ गई हूँ, मैंने सोचा कि वहाँ जी पनीरी लगी हुई है तो वो आपको दिखाते हैं। तो बारिश हुई है तो ये देखें जी सारा ही रास्ता ख़राब है, और यहाँ पे जी बहुत ही ज़्यादा जी कीचड़ बन गया है, अब पता नहीं वहाँ पे जाया जा सकता है कि नहीं, देखते हैं जी, कीचड़ बहुत ज़्यादा, पाँव जरा संभाल कर रखें। ये देखें जी रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और कीचड़ हो चुका है, तो बड़ा जी संभल के हम पाँव रख रहे हैं, जाना तो हमने उस तरफ है। तो अभी बस बारिश हो रही है, वो देखेंगे आपको पानी में से नजर आएगा, पानी के कतरे बारिश के गिर रहे हैं, तो वहाँ से भी बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया हम सब ने वो जगह, तो अब यहाँ से भी पानी से पानी है इधर खाल, तो पाँव धोते हैं जी, तो देखो जी पाँव धोने हैं कितने गंदे हो गए जी पाँव, आ जाओ जी हस्बैंड के साथ है हारिस जी और सलेमान जी। ये भी बस रास्ता हमने क्रॉस करना, वहाँ पहुँच गया जी, वहाँ से तुम भी साफ नजर आती है। तो भी भाई ये देखो जी पाँव फिसलने से, ओए सलमान भी डर गया, तो पानी में जी हम गिर गए, ओए 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 ये बड़ा गंदा है जी, ओ सलमान चलो फिर रो खूब बोल आए। तो भी भाई मेरा तो पाँव पाँव इधर फंस गया, इसको पकड़ो ना, मेरा जी इधर पाँव जो है वो जमीन के अंदर पता नहीं मिट्टी में फंस गया, मेरा जूता अंदर रह गया, कोई काम तुमसे नहीं होता, मुझे सही नहीं निकाला, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा जूता, ऐसे काम करते हो तुम, आपने जो कहा है निकलो निकलो निकलो, और मेरा पाँव जी अंदर फंसा हुआ था, ऐसे गंदे काम करते हो, अरे ये देखे जी इतना गंदा पानी है गोबर वाला, आए अल्लाह जी मुझे निकाला है, तो कहते जल्दी करो जल्दी करो, जूता बीच में इसने फेंक दिया है, पहनी हुई थे ना आपने, जल्दी करो वो पाँव से निकली है, तो बाहर जल्दी से हाथ खींचा है मेरा, कोई नहीं हम नहीं ले देते हैं, टेंशन क्यों ले रही है, नहीं ले देंगे। ये देखे व्यूअर्स मुझे तो पनीरी जो है वो दिखानी महंगी पड़ गई, देखे व्यूअर्स मेरा जूता जी हस्बैंड ने निकाल लिया, देखो बहुत ही ज्यादा कीचड़ में फंस गया, कीचड़ जी सारा इसमें लग गया, ये मेरा ढीला भतीजा,
देखें जी कितना गंदा पानी है जी। आज तो बहुत ही जी टेंशन हुई है, गंदे पानी में जी हम लगे हुए हैं। एक दफ़ा जी इसको साफ़ कर लेते हैं, बाकी घर जाके तो इसको साफ़ करते हैं। एक तो जी व्यूअर्स ये हाल ने मुझे भी गिराया, मेरा शूज़ जो है वो भी इसमें चला गया था। ये देखें जी शूज़ तो मिल गया। आप मैंने सोचा साफ पानी है, गंदा पानी है जी, ये तो बहुत गंदा पानी। ये देखिए साथ जी पनीरी लगी हुई थी वहाँ पे ज्यादा पानी था खाल, तो मैंने सोचा यहाँ से आपको शेयर करते हैं। ये देखिए सारे मेरे तो कपड़े अभी खराब हो गए हैं पानी से जी, पीछे सारे खराब हो गए। ये देखिए वो मेरे सारे जी कपड़े खराब हो गए हैं, अब आगे नहीं जाया जा रहा, तो वापस जाते हैं जी। पानी भी गंदा है, गंदा पानी आ रहा है जी, पता नहीं ये गोबर वाला पानी है। गोबर वाला ना, वो पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो वो वाला पानी साफ है, वहाँ पे ट्यूब है लेना। अब जाके जी अपना कपड़े उतार के तो दूसरे पहनते हैं। आज इतनी शेयरिंग बहुत है जी, साथ ही गन्ने का कमाल है तो माशाल्लाह काफी बड़ा हो गया। और सलमान देखे जी डर गया, मेरे साथ गिरा है तो भी बस ये भी डर गया, लेकिन ये बच गया। बच गया ना, दिखाओ दिखाओ, आ जाओ। ये डर गया जी, अब डर इसे डर लग रहा है, ये तो बच गया। मेरे कपड़े सारे खराब हो गए हैं, इसे मैंने बचा लिया था, ऊपर उठा लिया था। ऐसे गंदा पानी है वो वाला। हाँ वापस चले, वापस चलते हैं अभी बस। आप आज की तो शेयरिंग जो है वो थोड़ी सी बस आपको यहीं से दिखा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी ये पानी की बहुत बड़ी खाल है, तो मुझे डर लग रहा था कि वहाँ से मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि वो बहुत चौड़ी खाल है। और इस खाल में जो मेरा पाँव फिसल गया है, तो अब मेरे कपड़े सारे जी गीले हो गए हैं और गंदा पानी था, तो जाके जी आप ये कपड़े चेंज करते हैं, क्योंकि ये गोबर वाला पानी लग रहा है। शुक्र है जी, ये जी हड्डी पसली को बच गई है, मेरा पाँव नहीं अंदर फंस गया। शुक्र है। अच्छा ये देखिए हस्बैंड तो पीछे छुपे हुए हैं ना, और मुझे मैं इधर खड़ा हूं। मुझे कब से कह रहे हैं तुम आगे चलो, तुम आगे चलो, मैं कह रही थी कि आप आगे जाए। मैं अभी आगे हूं ना, देखो अब आप मैं ये देखे जी ये जरा भी आगे नहीं आए, मुझे कह रहे हैं तुम जाओ आगे, वहाँ से खुद शेयरिंग करके आओ। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि बस इन्होंने मेरा साथ नहीं देना है। अब घर चलते हैं अभी, बस हस्बैंड और हारिस आगे चले गए हैं, उनका मूड खराब हो गया है। देखे जी यहाँ भी गारा लग गया गिरने की वजह से, सारे जी पाँव भी खराब हो गया, मेरे कपड़े भी खराब हो गए, तो अंदर जी बहुत ही ज़्यादा गंद है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, उम्मीद है जी आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। और देखें जी मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, बादल बने हुए हैं, तो सामने हमारी जी इधर चावलों की काश्त हो रही है। तो आइंदा किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, और हसब रवायत आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि जी मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हस्बैंड वो आगे चले गए हैं जी, उनको मेरा जूता निकालना पड़ा है, तो मूड ऑफ हो गया।